विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू आर्म्स विच कंटेन द एंगल. इब्राहिम है कि नहीं क्लास में? लास्ट क्लास में नहीं था इसलिए मैं टॉपिक रोक लिया था. हाँ सर रूम है. ठीक है, देखो डेफिनेशन में स्ट्रॉन्ग रखो. ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ, एक मिनट यार, एवाडी सर का फोन आ रहा है. कॉपी कर लिए? हाँ सर. ठीक है, तो देखो कैसा है ना, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू आर्म्स विच कंटेन द एंगल. ठीक है, तो ये दो लाइंस हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, नाउ थिंग इज कि
बाइसेक्टर ऑफ एंगल की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, मतलब ऐसा पॉइंट है एच कॉमा के जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज. एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन तो यही होती है ना, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यही होती है. ठीक है, तो ये और ये इक्वल करना है, तो ये और ये इक्वल कर दो. क्या आ गया इक्वेशन? ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर. ठीक है, अभी लोकस में कैसा होता है, एच कॉमा के को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? एक्स कॉमा वाई से. तो क्या हो जाएगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू डिवाइड बाई अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर. इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो अच्छा उधर का दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट रुक गया, मैं लगाता हूं. अभी दिख रहा है? हेलो. हाँ सर. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखो ना, मॉड खोलोगे, अगर मॉड खोलोगे, मान लो मैं कोई दो लाइंस दे रहा हूं, ठीक है, तो 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. तो क्या होगा प्रथमेश बताओ? 3x प्लस 4y प्लस 1 बाई मॉड 5. हेलो. यहां पे कितना होगा? यहां पे 5x प्लस 12k प्लस 3 12y प्लस 3 बाई 13. ये क्लियर है क्या? हाँ. तो आपका क्या खुलेगा? 39x प्लस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू मॉड में 25x प्लस 60y प्लस 15. इतना क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, तो मॉड साइन एक बार प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? 39x प्लस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस बोलो 25x प्लस 60y प्लस 15. ये चीज क्लियर है क्या? हाँ. तो आपके पास कितने बाइसेक्टर्स आएंगे? दो बाइसेक्टर्स. ठीक है, कॉपी करो फटाफट इसको. सर
हो गया सर। हेलो, म्यूट है सर। हाँ हाँ सर, हो गया लिख के। हाँ सर, हो गया। सर आप म्यूट है। अरे देखो, अपने पास दो बाई सेक्टर होते हैं, ठीक है। क्या बाई सेक्टर होते हैं? एक ये बाई सेक्टर है और एक ये बाई सेक्टर है, ठीक है। अगर ये लाइन L1 जीरो है और ये लाइन L2 जीरो है, तो ये अपना बाई सेक्टर वन है और ये बाई सेक्टर टू है, ठीक है। आप ध्यान दो कि ये एंगल अगर थीटा बाई टू है, ये एंगल थीटा बाई टू है, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू और ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या आई? बी वन इज परपेंडिकुलर टू बी टू, बी वन इज परपेंडिकुलर टू बी टू। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर, ठीक है। दूसरी चीज देखो कि वन बाई सेक्ट द बाइसेक्टर बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग acute angle between lines is called acute angle bisector, bisector bisecting obtuse angle between lines is called obtuse angle bisector. ठीक है, तो अब देखो कि हाउ डू वी डिस्टिंग्विश। मान लो ये लाइन है L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी इसमें ऑब्वियसली एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है, ठीक है। तो दो बाइसेक्टर आएंगे ना, एक अल्फा को बाइसेक्ट करेगा, एक बीटा को बाइसेक्ट करेगा, बोलो यस सर नो। सो हम लोग क्या चाहते हैं,
हाउ टू नो विच बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल्ड या विच बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ये बात चमकती है। तो एक मेथड होता है फाइंड द बाइसेक्टर्स, लेट देम बी B1 एंड B2, ठीक है। नाउ फाइंड एंगल बिटवीन एनी बाइसेक्टर, ऐसा नहीं B1, एनी बाइसेक्टर एंड एनी लाइन। एंगल कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, tan थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इफ मॉड tan थीटा अगर लेस देन 1 है, दैट मींस बाइसेक्टर चोजन इज एक्यूट। बताओ कैसे, अरे ये चमकता है कि मान लो तुमने ये वाला बाइसेक्टर लिया है, ठीक है, और तुमने ये वाला एंगल निकाला L2 से, तुमने एंगल निकाला बाइसेक्टर 1 और लाइन 2 में, और तुम्हारा tan थीटा आया ना, tan थीटा वो लेस देन 1 आया, इसका मतलब यही एंगल है ना आपका थीटा। तो अगर थीटा लेस देन 1 है, tan थीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब थीटा कैसा है, 45 से छोटा है ना, इसका मतलब बीटा कैसा है, 90 से छोटा है। ये बात चमकती है क्या, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, यस और नो? यस सर। अरे ये बात चमकती है, नहीं चमकती, देखो कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है चीज, जिन लोगों को नहीं आती है वो लोग ध्यान समझ लो एक बार कैसे करते हैं, बार बार ये क्वेश्चन कहीं आता नहीं है बाय द वे, ठीक है, इतना क्लियर है क्या? ये एक तरीका होता है। इसमें एक जो सेकंड मेथड होता है जो यहाँ पे उतना काम नहीं आएगा बट वेक्टर थ्योरी में बहुत काम आएगा, ठीक है, तो मैं करा दे रहा हूं यहीं पे। व्हाट यू डू, सुनो अभी, चूज एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन, ऑन एनी लाइन, लेट से L1 पे तुमने एक पॉइंट चुन लिया, अरे यस और नो, ठीक है। नाउ तुम क्या करो, जो दो बाइसेक्टर आए हैं ना उन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, तो ये P2 है और ये P1 है, ये चमकता है, अरे हेलो, फाइंड P2 एंड P1, ये क्लियर है क्या? इफ P2 इज बड़ा देन P1, दैट इंप्लाइज B1 इज, दैट अगर ऐसा कर दो ना कि जो भी परपेंडिकुलर छोटा वाला होगा वही होगा ना तुम्हारा एक्यूट, दैट इंप्लाइज, अरे बोलो बाबा, B1 इज एक्यूट। अब वो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन ना तुम्हारे जेई मेंस में आएगा, ना CET में आएगा, ना IIT में आएगा, ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड वाले मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप अगर बाकी बुक्स देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले रखते हैं सबको, एक तरीका ये भी होता है कि जो दोनों लाइन होती है ना उन दोनों लाइन के सी को पॉजिटिव कर दो, उन दोनों लाइन के सी को पॉजिटिव कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप जब प्लस से खोलते हो और एक बार माइनस से खोल दो, दोनों के सी को पॉजिटिव कर दो और प्लस से खोल दो, जो बनता है शायद वो एक्यूट होता है, ठीक है। ये सब ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स नहीं है, इतना याद करना मुझे सही नहीं लगता है, मेरे लिए ज्यादा सिंपल लगता है कि मैं सीधा एंगल निकाले काम खत्म करूंगा। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने उसमें दोनों मेथड से बताओ मुझे एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा है, दोनों मेथड से बताओ कि एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा है, और फास्ट बताओ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन कहीं नहीं आता, दुनिया में नहीं आता है।
बीस का रेशियो हो गया है। हम बोले थे वाड़ी सर को 15 दिन पहले छोटे करने का आंसर। अरे आया क्या आंसर? हाँ सर। कौन हटाता है यहाँ से रब अप करने का? रब करूँ इसको मैं? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। सर लिखा ही नहीं था। अरे जाने दो सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रब कर दीजिए। चल अभी ये अभी तो कर कॉपी कर, तो नीचे तो बाकी तो ऊपर बकवास लिखी थी। काम का तो यहीं पे था, काम का तो यहीं था ना, बाकी छोड़ नीचे कॉपी कर। हाउ टू नो विच बाइसेक्टर इज एक्यूट, ये कॉपी कर। ऊपर तो कहानियां थी ना कि एक्यूट बाइसेक्टर इसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज फलाना को कहते हैं, ढेमका को कहते हैं, क्या अंतर पड़ता है? वहाँ पे गाड़ी उठ जाती है शायद। अभी तो नहीं, 11 बजे जाना है तुम ना, कल भी 11 आज भी कर देना। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। अरे हेलो रब करें इसको। हाँ सर। हाँ तो जो पिछला क्वेश्चन था ना, मैं एक बार ना करके दिखा देता हूँ ताकि कुछ लोग तो पहली बार पढ़ी रहे होंगे इस टॉपिक को। पिछला क्वेश्चन क्या था बताना, लाइन के क्वेश्चन बताओ क्या रुद्र? 3x plus 4y 3x plus 4y plus 1 equal to 0। हाँ और नीचे में 5x plus 12y plus 3 equal to 0। हाँ अपने पास bisectors क्या आए थे? और दूसरा bisector 16x plus 28y plus 7 equals to 0। बढ़िया। अबे अपन को नहीं मालूम कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है, ठीक है? अपन क्या करेंगे, ले लो इसको, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल निकालो टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे निकलता है, इसका स्लोप चाहिए ना, ये बहुत फास्ट होता है। स्लोप कितना बताओ इसका? 7/4। और इसका स्लोप कितना है बोलो? -5/12, ठीक है। तो टैन थीटा कितना होगा बताओ? 7/4 प्लस 5/12 m1 - m2 / 1 - m1 m2 7/4 × 5/12। अरे इतनी बात चमकती है क्या? तो कितना आ रहा है बताओ? 7 + 4 + 4 + 7 = 21, 26 by 12 13 और नीचे में 13/48 आती है भाई, इंग्लिश भी आती है, ठीक है। और ये 2 और ये कितना आ गया, गड़बड़ गया, ऊपर गया ना 8। तो tan थीटा मेरा 8 आ रहा है यार शायद, सही किया ना मैंने? हाँ 8 आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो bisector है क्या है? अरे गलत किया मैंने, obtuse bisector आ रहा है ना, बराबर है ना ये मेथड? मेथड तुम्हें क्या बोला मैं, एक पॉइंट हाँ कोई भी। चलो तो इस लाइन पे एक पॉइंट गेस कर लेते हैं। इस लाइन पे एक पॉइंट बोलो क्या ले सकते हो, बोलो जनरली कोई भी पॉइंट ले लो। मैं जनरली अगर इंटीजर पॉइंट मिल जाते हैं अच्छा आता है, ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, तो 0, -1/4 चलेगा ना, है ना बॉस? 0, -1/4। अभी इससे और इससे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये P1 है और ये P2 है, तो P1 कितना होगा बोलो? इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ना, तो 8/4 + 2 का अंडर रूट कितना आया बताओ? 14² + 8², ठीक है बॉस। और P2 बताओ कितना आता है जी? P2 लाइन ये है ना आपकी, तो वापस तो सेटिस्फाई करा दिया पॉइंट, हाँ जी। 0, -4 डाल दो, 0 हो जा रहा है। कौन?
P2 पे डालेंगे तो 0 का माइनस 1 बाय 4 सर ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सीरियसली इतना बैड लगे मेरा अरे यार चलो ऊपर में ले लो ना 1, -1 अच्छा भी है और नहीं और छोड़ो यार तो इंसान के नाम पे कलंक हूं ठीक है इतना हर बार ऐसी होता है मेरे साथ 1, -1 चलो ठीक है पता नहीं मैं कितना भी आर्बिट लेने का प्रयास करता हूँ मतलब हर बार ही होता है हमेशा ठीक है चलो P1 ले लो जी P1 कितना आ रहा है 14 -8 + 2/14² + 8² ठीक है और P2 कितना है आपका 16 -28 + 7/16² + 28² ठीक है अभी लोग कंफ्यूज इसलिए कर जाते हैं कि उनको लगता है बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी है बड़ी बड़ी क्वांटिटी नहीं है ये और ये सेम ही बन जाएगा ऑलमोस्ट ठीक है तो आप अगर डिवाइड कर लो P1 बाई P2 निकाल लो तो बहुत फास्ट आ जाता है कितना आ रहा है P1 फिर 14 + 16 = 8 / 14² + 8² * और नीचे में आ जाएगा 16 + 7 कितना होता है 23 तो 5 हाँ और ये आ जाएगा इसमें से आप अगर बाहर निकाल लो क्या बाहर निकाल लें 4 बाहर निकाल लें 2 बाहर निकाल लेना 2 बाहर निकाले तो बाहर में 2 बाहर में 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर और यहाँ लिखा है क्या निकाला है 2 बाहर निकाला है ना तो 4 हाँ तो 2 तो ये आ जाएगा 14² ये आ जाएगा आपका 8² + 14² ये और ये कट जाएगा वैल्यू आ गई 16/5 इसका मतलब P1 जो है P2 से बड़ा है एक बात ध्यान रखना कभी भी किसी भी दो क्वांटिटी में कंपेयर करने को आता है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है तो हमेशा रेशियो निकाला करो रेशियो हेल्पफुल होता है बिकॉज कुछ ना कुछ कट जाता है तो P1 P2 से बड़ा है तो अगर P1 P2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो P1 जो है P2 से बड़ा है ना इसका मतलब जो P1 जिसपे बाइसेक्टर गिरा था वो वाला बाइसेक्टर क्या आ गया बोलो ऑब्टूज बाइसेक्टर इतना क्लियर है क्या हाँ सर तो एक्यूट ऑप्टिक निकालना क्लियर है ना अच्छे से हाँ सर आगे बढ़ो कॉपी करो उसको जिसको नहीं हुआ तो कॉपी करो कुछ लोग का हो गया कुछ लोग का नहीं हुआ जिन लोग का हुआ वो भी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है आप एक मेथड चुन लो चाहे लंबा हो चाहे टफ हो या तो ये चुन लो या तो ये चुन लो आपकी इच्छा है मैं हमेशा पर्सनली ये मेथड से करता हूँ 2D ज्योमेट्री में और 3D में इससे करता हूँ सर पहले वाले मेथड में tan थीटा आपने क्या लिया था m1 - m2 या m1 + m2 m1 - m2 में हाँ तो फिर नीचे प्लस होना अच्छा नहीं अच्छा ठीक है समझा बेटा नया कोरोना वायरस आ गया है संभल के रहो हाँ सर यूके के सारे फ्लाइट 31 तक बंद कर दिए हाँ महाराष्ट्र में भी अभी रात को कर्फ्यू है अब अपना डीवी पनवेल एग्जाम दे रहा है बे अब सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा है 4 तारीख से अभी प्रैक्टिकल के लिए बुला रहे हाँ वही दिमाग खराब हो गया उनका मतलब राम जाने क्या कंसेंट फॉर्म पे जी रहे हैं हाँ वो कंसेंट फॉर्म पे लिखवाया है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल मैंने सारे बच्चों को बोल दिया कोई नहीं भरना सब नो सब लिखो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल वी आर कमिंग पगला आ गए दिमाग खराब हो चुका है अभी 26 तारीख को सर बुलाने गए ना प्राइम मिनिस्टर आएंगे यूके के रिपब्लिक डे पे हाँ भाई लास्ट टाइम भी तो आए थे ट्रंप साहब आए थे ना बर्बाद करेंगे थे भारत इस बार जॉनसन साहब करेंगे बर्बाद कोई नहीं अपने साहब जब तक है सब बढ़िया है तुम सब जेई मेंस दोगे 4 बार इनका बस चले तो 6 बार दिलवाएंगे हर बार करना क्या 2000 रुपए देने हाँ बोलो यही पूछना था कि 4 अटेम्प्ट तो उनमें से कौन सा मतलब सबसे अच्छा चारों देंगे ठीक है देंगे चारों जो अपना बेस्ट अटेम्प्ट रखेंगे अपन ठीक है वो डिपेंड करता है हर बंदे तू बंदे पे ठीक है जिनकी प्रिपरेशन देखो कैसा है ना कि अपने बैच में होमोजेनस बैच नहीं है ठीक है तो जो लोग का जेई मेंस लास्ट टाइम अच्छे से क्वालिफाई हुआ है 98% के ऊपर से या चलो एडवांस में रैंक है ठीक है तो उनके मेरे हिसाब से उनको 15 मार्च वाला टारगेट करना चाहिए 15 मार्च वाला और जिन लोगों की लास्ट ईयर अच्छे से तैयारी नहीं हुई थी ठीक है तो उन लोगों को जंप नहीं करना चाहिए उन लोगों को अप्रैल वाला टारगेट करना चाहिए अच्छे से अप्रैल मई वाला हाँ सर ठीक है तो इस टाइप से डिसाइड करो
फरवरी वाला देंगे सारे, बट फरवरी वाला बस हम एक ऐसी देंगे कि एक वापस से एग्जाम की फील लेने के लिए देंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम चारों देने का ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी हर इंडिविजुअल बंदे पर डिपेंड करेगा, तो हर इंडिविजुअल बंदा मुझे कॉल करके पूछ सकता है, ये एक बेसिक आइडिया है। क्योंकि देखो कुछ लोगों ने, अब कुछ लोगों ने ड्रॉप ही लिया है, आईआईटी के लिए लिया है बस, हमको नहीं करना भैया जेई मेंस। तो मतलब जैसे अब वैसे जैसे मैं ही था, जैसे मैंने ड्रॉप लिया जिस साल, तो मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था, मैंने बस आईआईटी भर दी थी, मैंने जेई में ये ट्रिपल ई वगैरह कुछ भरा ही था, मेरे को जाना ही था। तो अब इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप विद दैट क्लैरिटी, तो आई विल सजेस्ट टू दोज पीपल कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, तो आप बस 1.5 लाख में आए काम खत्म करो। और वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं कि जेई मेंस में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है अब तो, ठीक है। और सर वो एक मेंस के बाद मतलब कुछ 3 हफ्तों का गैप है, तो अभी क्लासेस चालू रहेगी नहीं? क्लासेस क्यों बंद होगी? क्लासेस तो अब नहीं, क्लासेस आपके आईआईटी एग्जाम के एक दिन पहले तक चलेगी बस। अच्छा। क्लासेस बंद नहीं होती, एटलीस्ट मेरी क्लास बंद नहीं होती है, आपके एडवांस के एग्जाम तक क्लास चलेगी। मतलब क्या 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 बोलो आपके हिसाब से फरवरी एंड तक कितना सिलेबस हो जाएगा जो आप पढ़ा रहे हैं उसका? कौन पूछा है ये? कासिम जी सर। मेरे ख्याल से मैं खत्म कर दूंगा। हां सर, आप बोल रहे थे ना बर्थडे से पहले खत्म कर दोगे अपने? मैं ट्राई करूंगा खत्म करने का, एक्चुअली जस्ट स्लो हो गया स्ट्रेट लाइन में, बिकॉज़ कोऑर्डिनेट्स मेरे ख्याल से मुझे वीक लगा, और मेरे ख्याल से मुझे उतने क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। मैंने मैट्रिक्स में जो गलती करी वही सेम गलती मैंने स्ट्रेट लाइन में कर दी, मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, अब आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल डाउट तो पूछ नहीं रहा। तो अभी मैं थोड़ा इस चीज में कंट्रोल करूंगा, क्वेश्चंस कम दूंगा, ताकि फिर मैं आप लोग भी कुछ सब, आप लोग भी ढंग से करो। ऐसे मुझे मुझे क्या लगा पर्सनली इस वक्त कि स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने उड़ा दिया? सर एक्चुअली सर डिस्कशन हम लोग है ना इसमें करते हो, अनऑफिशियल है ना, किसी को ध्यान नहीं रहता है, तो सब अनऑफिशियल पे, मतलब बहुत सारे डाउट्स अनऑफिशियल पे ही चलते हैं। वो भी अच्छा, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर फंसता है ना तो ऑब्वियसली पूछा करो मेरे से, ठीक है। जैसे कल मुतासिर ने पूछा ना वो लिमिट वाला क्वेश्चन, मतलब करें तुम्हें क्या लगता है मुतासिर कब तक खत्म करूंगा मैं? सर मुझे आइडिया नहीं कि आगे क्या पेज पे चलेगा बाकी। हाँ अब यही है, मतलब आगे करना क्या, ये भी क्वेश्चन है ना, आगे स्टेट। अभी तो मैं कल देखा आप लोग का, सब लोग सर्कल ही कह रहे हैं, तो फिर सर्कल ही कर देंगे, है ना। क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि स्टेट लाइन के बाद ना, मेरा ऐसा था कि स्टेट लाइन के बाद ना आप लोग स्टेट लाइन का ढेर सारा क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, ढेर सारा, जितनी बुक्स अवेलेबल है मेरे पास सब बनवा देता, और तब तक मैं बगल से वेक्टर थ्योरी निकाल देता। वेक्टर थ्योरी सिंपल टॉपिक है, ठीक है, मेरा ये प्लान था एक्चुअल में। चलेगा सर, लेकिन हम बाकी क्वेश्चन वेक्टर से सोचते हैं इसीलिए। हाँ सर्कल इतना मतलब करते तो और क्वेश्चन आते हैं, वो भी है, वो तो 2-3 क्वेश्चन ही फिक्स है और क्या है। तो ठीक है, ये हो गया। अभी एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, अब ये ऐसा टॉपिक है ना जिसका मतलब एक्चुअल कुछ लॉजिक नहीं है, बट ये काम बहुत आता है आगे खोलने वोलने में, ठीक है। डेफिनेशन ऐसी है कि अगर ये दो लाइन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये L1 है और ये L20 है, ठीक है, और मान लो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये जो बाइसेक्टर होगा ना, ये वाला बाइसेक्टर, मैं बस अंग्रेजी में लिखा रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं, दिस बाइसेक्टर इज कॉल्ड, अंग्रेजी लिखवाने का मतलब नहीं, फिर समझाना ही पड़ता है, कॉल्ड, क्योंकि मुझसे उस दिन इसने बोला, क्या नाम है, परम ने बोला शायद, कि आप सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके जो 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 टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आते हैं उसको करवा दो ना तो भी अच्छा रहेगा, मुझे उसका भी आइडिया अच्छा लगा। दिस बाइसेक्टर इज कॉल्ड कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ये बात चमकती है कि आपको ये किसी को डेफिनेशन में डाउट है क्या, बताओ? किसी को डेफिनेशन में डाउट है क्या कि बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट का मतलब क्या हुआ?
एनीबॉडी इफ एनी डेफिनेशन में डाउट, क्लियर है क्या मतलब है अल्फा कॉमा बीटा कंटेनिंग का, बस ये डेफिनेशन है। और ये वाला क्या होगा है भैया, क्या होगा बोलो, बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग पॉइंट, नॉट कंटेनिंग द पॉइंट, बस इतना ही मतलब है अपन को इससे, इतना बात चमकता है। ठीक है, अभी निकालते कैसे हैं ये समझो। ये एक्स कॉमा वाई है, ओके मैं बेसिक से कर रहा हूं। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो अगर बाई, तो ये बताओ बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी बताओ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बाई, क्या होती है बाइसेक्टर की इक्वेशन, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, ए टू एक्स प्लस बी टू प्लस सी टू बाई प्लस बी टू वाई प्लस सी टू पावर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, इतना क्लियर है। ठीक है, नाउ अभी देखो क्या होता है कि अगर जब नाउ अभी हम लोग यूज करते हैं, लेट्स यूज फैक्ट एक्स कॉमा वाई एंड अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन क्या सेम साइड ऑफ L1 एंड L2 एंड हेंस ओपन मॉड। अब भाई मॉड का मतलब क्या था, डिस्टेंस ना, मॉड का मतलब क्या था डिस्टेंस। तो अपन क्या करते हैं कि इस फैक्ट को यूज कर लो कि x कमा वाई अल्फा कमा बीटा L1 के सेम साइड पे लाई कर रहा है, उसको यूज करके ये मॉड अगर सही ढंग से ओपन करोगे तुमको मालूम चल जाएगा ना कि कहां लाई। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोग जब ऐसा यूज कर ऐसा लिखते हैं तो हम लोग क्या मीन करते हैं कि कोई भी दो डिस्टेंस बराबर हो गए, ठीक है। अरे यस और नो, तो अगर मैं ये चीज सिस्टम में कंस्ट्रेंट में फंसा दूं मॉड ओपन करते वक्त कि अल्फा कमा बीटा और एक्स कमा वाई सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो मुझे कौन सा बाई सेक्टर मिलेगा, यही वाला बाई सेक्टर मिलेगा ना। हेलो, हाँ सर, हाँ नेट चला गया क्या, अरे आवाज आ रही है क्या, हाँ आवाज आ रही है, हाँ सर आवाज आ रही है, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। मेरे को ये वाला बाई सेक्टर निकालना था, ये वाला, ठीक है। इस बाई सेक्टर पे जो पॉइंट एक्स कमा वाई है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या खासियत है कि वो और अल्फा कमा बीटा एल वन के सेम साइड पे है, वो और एक्स कमा वाई एल टू के सेम साइड पे है, ठीक है। अरे हाँ या ना, हम लोग जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग मॉड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम ना कि वो जो क्वांटिटी आएगी a1x plus b1y plus c1 वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अगर मैं ये फैक्ट यूज कर लूं कि अल्फा बीटा x कॉमा वाई सेम साइड पे लाई कर रहे हैं l1 के, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, मैं ये जान जाऊंगा ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मेरा इस वाले लाइन को निकालने के लिए एम क्या रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर करना है ना। तो अगर मैं मॉड को ओपन कर पाऊं इन दोनों को यूज करते हुए, तो मैं इस मॉड को गायब कर दूंगा ना। अरे बात चमकती है क्या, हेलो क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, अरे एक बार फिर से बताना। नहीं, वो बता दूंगा, मैं बाकी लोग से पूछ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग जब मॉड मॉड बराबर हम लोग ये और ये बराबर करते हैं तो कोई भी क्या हो सकता है, ये इसके बराबर हो गया, कुछ भी किसी के बराबर कर रहे हैं ना। तो अगर मेरे को, मैं चाहता हूं कि बस ये समहाउ ये मालूम चल जाए कि इसी एक्स कमा वाई से यहां पर डिस्टेंस कितना है। नहीं समझ में आ रहा है, सुनो, अरे बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या, उनका योजना करे तुम लोग को, 3x plus 4y plus, hello? नहीं सर, ये नहीं समझ में आई, उसी x कॉमा y का मतलब नहीं समझा, मतलब जरा एक बार एग्जांपल दे दीजिए फिर। मैं भाई कर रहा हूँ यार, ऐसा कैसे, तुम तो पढ़े हो ना इलेवेंथ में, तो चलो माइनस वन कॉमा वन, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस फोर प्लस वन बाई फाइव बाई फाइव,
25 ये मालूम है? हाँ. मैं ये मॉड भी रहता है ना. हाँ. इस मॉड को मैं तो ये मॉड जो आया मेरे पास ठीक है तो दिस मॉड इज सिग्निफाइंग व्हाट कि हमें नहीं मालूम ना कि ये चीज कैसी बिहेव कर रही है स्लाइम के रिस्पेक्ट में. ये बात चमकती है. हाँ. ये नेगेटिव हाँ. भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है. हाँ, ना? हाँ, तो हाँ. इस हाँ तो अभी माइनस वन कमा वन के रिस्पेक्ट में साइन चाहिए. मैं कैसे खोलूंगा इसको? माइनस करके खोलूंगा ना. हाँ. अगर ये माइनस करके खोला तो अब मेरे को सीधा ये डिस्टेंस मिला ना. हाँ. अगर मैं माइनस करके खोल पाया तो आई विल डायरेक्टली गेट दिस डिस्टेंस ऑनली ना. हाँ, हाँ, हाँ. बाबा अगर मैं ये देखो ना मैं मान लो 1.1 से खोला तो मेरे को मेरा आंसर क्या आएगा? 3 + 4 + 1/5 आ गया ना यार. ये मॉड किससे खुला? प्लस से खुला ना. हाँ. ये जो अपन को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी होती है अपन मॉड यूज करते हैं ना. ध्यान दो क्यों मॉड यूज करते हैं? बिकॉज हमको नहीं मालूम होता है कि वो पॉइंट डालने पे उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव. पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है. वी डू नॉट नो कि साइन कैसा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मॉड लगाते हैं. ओके. अब व्हाट आई वांट कि मैं ये जो एक्स कमा वाई जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना मैं उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस अगर बस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर कर पाऊं इफ आई एम एबल टू इक्वेट नॉन मॉड्यूलर डिस्टेंस आवर वर्क इज डन ना. अरे रेहान चुप रहो यार. बच्चे घर में होते ही क्या. अरे अगर मैं यहां पर नॉन मॉड्यूलर डिस्टेंस इक्वेट कर पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा ना. नहीं होगा. हाँ, समझ गया. अरे पानी लाओ मुझे डुबा दो उसमें. ठीक है सुनो अभी ध्यान सुनो. अब चुप हो जाओ मेरी बात सुनो. ठीक है एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो. ठीक है मुझे ना इस वाले पॉइंट से मतलब इस लाइन के इस साइड से बताओ ये डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस बताओ कितना है. हाँ बोलो. बिना मॉडुलस के डिस्टेंस कितना होगा पी वन का बताओ. व्हाट इज द पी वन का वैल्यू? माइनस ऑफ एक्स वन एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई अंडर रूट वन प्लस वन. और ये माइनस. हाँ माइनस भी. हाँ क्यों माइनस? क्योंकि जीरो तो के साइड पे नेगेटिव है. नेगेटिव है. क्योंकि जीरो कामा जीरो और ये सेम साइड पे आ गए ना. तो मेरे को अगर मैं मॉड खोल पाया तो मैंने क्या फिक्स कर दिया इस डिस्टेंस से? मैंने क्या फिक्स कर दिया? साइड फिक्स हो गया. कि मैं कौन सा डिस्टेंस यूज करने वाला हूं? ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस? कौन सा फिक्स कर दिया मैंने? नीचे वाला. अरे ओमकार जूनागढ़ तुमको तो 11th पढ़ाया था नहीं है? हाँ सर. तुम नहीं समझे थे? तभी मतलब समझ में आया था. फिर बाद में वेक्टर के टाइम पे वापस कंफ्यूज हो गया था जब अपने एंगल बाइसेक्टर करवाया था. और फिर पूछा भी नहीं. छोड़ दिया. छोड़ो चलो कोई बात नहीं. ठीक है. अरे इसको वापस एक्सप्लेन करें. क्लियर है क्या मुतासिम तुमको? हाँ सर क्लियर है. रुद्र? हाँ सर क्लियर है. रजत? इब्राहिम? हाँ सर. अरे सबको क्लियर है? सुनो ना ये सब गया बाहर में. ठीक है बाहर में गया. आप इसको समझो पहले. दो मिनट इसको समझो बस. ये मॉड खोलना आना ही पड़ेगा. बहुत सर्कल में बहुत यूज करूंगा मैं इस फैक्ट को. सर्कल में बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं इसको मॉड खोलने वाले चीज को लोकस निकालने में. समझ में नेगेटिव क्यों डाला? ये एक्चुअली क्या होता है मॉड होता. ठीक है लेकिन मेरे को मालूम है ना कि जीरो का मैं जीरो इसमें डाला तो साइन क्या है इसका? नेगेटिव आया ना. और मैं किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है? मैं इस पी से कर रहा है ना जो कि ओरिजिन के इस लाइन के सेम साइड पे है. इसका मतलब जो जीरो का मैं जीरो पे साइन था वही एक्स का मैं वाई पे साइन रहेगा ना इसका. हाँ सर. अरे बाबा जो जीरो का मैं जीरो पे साइन रहेगा वही एक्स का मैं वाई पे साइन रहेगा ना. हाँ या ना? क्या हो गया? क्या कंफ्यूजन? क्या चलो बताओ. नहीं डांटूंगा. चलो नहीं डांटूंगा. चलो बोलो
चलो बोलो क्या कंफ्यूजन क्या हो रही है बोलो। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, ठीक है, आपको फॉर्मूला मालूम है A1x plus B1y plus C1, है ना। आपने अगर कभी भी 11th में प्रूफ किया होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो आपको याद होगा फॉर्मूला कैसे आता है। किसको याद है फॉर्मूला कैसे आता है, उसमें मॉड कैसे आता है? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लिए होंगे इसलिए मॉड आ रहा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि आप इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट करो ना कि अगर इफ आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम पी विच इज बिलो द लाइन इन दिस साइड देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन बी रिटन विदाउट यूजिंग द मॉडुलस साइन। ये बात समझ में आती है? हाँ सर ये सब समझ में आया, लेकिन फिर उसके बाद उसको कैसे लिख जा जो हम लोग को चाहिए। यहाँ तक पर यहाँ तक आ रहे हैं ओमकार जी, नगर क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो आ जाओ जी इधर आ जाओ। अभी अपन को चाहिए ये वाला बाइसेक्टर, अभी अपन को ये बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है भाई? यस तो बोलो बे। अपन को ये अपन को ये वाला बाई सेक्टर चाहिए, ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये बाई सेक्टर चाहिए तो इस पे जो पॉइंट एक्स कमा वाई है उसी को यूज करके मैं चाहता हूं इस डिस्टेंस को लिखना। हाँ सर। इस वाले एक्स कमा वाई के रिस्पेक्ट में इसको मैं नॉन मॉडुलस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। हाँ सर। तो मैं नॉन मॉडुलस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा बीटा का साइन, अल्फा बीटा पे जो साइन रहेगा, अल्फा बीटा पे जो साइन रहेगा L1 का, वही साइन से x कमा वाई पे वो मॉडुलस खुलेगा। यस और नो? हाँ सर। अरे हाँ या ना बाबा, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी मैं मांगता हूँ तुमसे कि मेरे को इस पॉइंट से नॉन मॉडुलस डिस्टेंस लिखो x कमा वाई का इस लाइन से, नॉन मॉडुलस डिस्टेंस। तो कैसे लिखोगे? तुमको एक पॉइंट चाहेगा ना बताने के लिए कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। अल्फा कमा बीटा और एक्स कमा वाई सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो आपको उस नॉन मॉडुलस डिस्टेंस के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा? अल्फा कमा बीटा। अल्फा बीटा। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, मतलब सेम साइन होना चाहिए ना दोनों का, डिपेंड करेगा ना, सेम साइन थोड़ी होगा। अल्फा बीटा, हाँ इसका सेम साइन होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में। मैं क्वेश्चन कर दिखाता हूँ, ठीक है? देखो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना हमने, क्या सॉल्व किया बताओ? और लाइन क्या थी रे? 3x + 4y + 1 = 0। हाँ 5x + 12y + 3 = 0। ठीक है, मैं तुमसे चाहता हूं कि फाइंड विद द बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट 1, 1। क्वेश्चन है फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग 1, 1। तो कोई बात नहीं, आप तो 1, 1 कहीं भी लिख लो, आप यहां लिख लो, यहां लिख, मैं यहां पर लिख दिया 1, 1, अंतर नहीं पड़ता कहां लिखते हो, ये रहा 1, 1। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसा साइड चाहूंगा ना कि 1, ऐसा कोई पॉइंट दो ना जाके तुमको ऐसे तुम कंफ्यूज, तुमको आसान लगेगा बहुत ज्यादा ये। 1, -1 चलेगा ना, 1, -1 तो उस पे लाई कर रहा है ना, तुमने बताया था। हाँ सर। तो 2, -2। ठीक है, मुझे ये वाला बाई सेक्टर चाहिए। आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम 2, 2 यहाँ लाई कर रहा है? नहीं मालूम मेरे को बाबा, नहीं मालूम मेरे को, नहीं मालूम है। ठीक है, मैं बस उस पॉइंट से कंटेनिंग ऐसा फिगर बना दूंगा और यहाँ पे x कमा वाई लिख दूंगा। ठीक है, और अब मैं यहां से क्या इक्वेट करूंगा, बताओ? नॉन मॉडुलस डिस्टेंस क्या इक्वेट करूंगा? नॉन मॉडुलस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से इस पे डिस्टेंस क्या होगा बोलो? 3x + 4y + 1 नॉन मॉडुलस डिस्टेंस y5। नॉन मॉडुलस में 2, -2 पे इसका साइन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, कैसे खुलेगा? माइनस से। ठीक है, और यहां वाले पे
नेगेटिव भी है। अच्छा यहाँ भी गलती से नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, फिर नेगेटिव आया ना, ये भी किससे खुलेगा वो आपको समझ में आना है कि ऐसा नहीं दोनों सेम साइन से खुल रहे हैं, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ आपको इतनी बार मैंने सेम चीज 10 बार बोली है, अभी क्लियर हुआ है कि आप क्या इक्वेट कर, आप क्या इक्वेट कर रहे हो? आप डिस्टेंस नहीं इक्वेट कर रहे हो ओमकार, क्या इक्वेट कर रहे हो बेटा? नॉन मॉडुलस डिस्टेंस। आप क्या इक्वेट कर रहे हो बेटा? नॉन मॉडुलस डिस्टेंस, नॉन मॉडुलर डिस्टेंस। ये बात चमक रही है। वी आर नाउ कैपेबल टू राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विदाउट यूजिंग द मॉडुलस साइन। भाई हमको नहीं चाहिए मॉडुलस, हमको डिस्टेंस चाहिए ना इस पॉइंट के लिए, तो वी कैन लोकेट दैट। ये बात चमक रही है। हाउ इज दिस लोकेशन बीइंग डन? बाय यूजिंग द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का फंडा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे बाबा इतना क्लियर है क्या? देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जिंदगी में किसी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, बहुत पहले की बात है। आपको लोकस क्वेश्चन में कभी यूज पड़ सकता है, और यूज किसी पार्ट का पड़ता है बाइसेक्टर का, बाकी पार्ट का नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा इसी का पड़ेगा, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो सर। वो बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट, मतलब पॉइंट किधर कंटेन करता है वो पार्ट समझा नहीं। डेफिनेशन है, मैं एसएलओनी में यही लिखा है कि दोनों आर्म के बीच में अल्फा कमा बीटा जहां पे प्रेजेंट होता है, जो बाइसेक्टर उस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है उसको बोलते हैं बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कमा बीटा। ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, जैसे तेरा नाम मान ले कुछ है, वो क्यों है? पेरेंट्स ने रखा है। वैसे ही इस बाइसेक्टर को बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा कमा बीटा बोलते हैं, मैंने नहीं बोला है। 100 साल पहले लोनी लिख के मर गई, ठीक है। आई डोंट नो क्यों बोला उसने, ठीक है। अरे क्लियर, आपका लिमिट्स खत्म हो गए, चल रहा है अभी? अभी सर शुरू हो रहा है, चल स्टैंडर्ड तक हो गया, चल रहा है, स्टैंडर्ड तक हो गया। ठीक है, तो आईटीएफ खत्म हो गया ना? आईटीएफ खत्म हो गया। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन दे देता हूँ आईटीएफ के, ठीक है। सर आपने समीर बंसल बोला हुआ है ना उसके लिए, वो आईटीएफ जो है ना, ठीक है, वो करो, उसमें ना समीर बंसल जो लोग कर सकते हैं कर ले अभी। आई विल प्रेफर समीर बंसल एक बार कैलकुलस का हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वाले में बहुत बार वो बहुत चीज यूज करते हैं, उतना तुम लोग को आता है। मैं जो आईटीएफ दूंगा ना वो आईटीएफ का बेसिक वाला आईटीएफ, जहां पे जोड़ने घटाना आना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार चीज फंस जाती है। अरे रब करे, एक्सरसाइज 3 हो गया मैट्रिसेस का, एक्सरसाइज 3 और क्या बोला है मैंने, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4 वाला, वो बचा है ना, वो करना होगा अपने बीच में। 27 टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है? सर्कल है दिया, तो दिया तो सर, दिया तो है, लास्ट चैप्टर वही है ना। हाँ, वो और एलसीडी, एलसीडी भी है उसमें, एलसीडी भी है, नहीं है क्या है। भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी लिमिट्स में तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब एक्सपेंशन और बेसिक और लॉपटाल का मिक्सर किया करो। लॉपटाल लगाने में कोई पाप नहीं होता है, ठीक है, स्पेशली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉपटाल लगा देना चाहिए। वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, बट बेसिक में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। सर आप तो हमको उससे बर्मन से कराया था ना सर? हाँ, बर्मन या मैरन, कौन बर्मन, 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 मैरन और बाकी। हाँ दे दूंगा क्वेश्चन, दे दूंगा उसको, डाल दूंगा मैं, पहले सर पढ़ा रहे हैं, एक बार कर लो वहां से। और उसमें आई डोंट थिंक लिमिट, जो लोग आती है वो लोग सीधे क्वेश्चन बना लो लिमिट्स का, क्योंकि सर लिमिट्स पे थोड़ा उतना डीप में समझाने गए होंगे, सर ने लिमिट शुरू किया होगा ना। हाँ मतलब आपने जैसा समझा था वैसे तो नहीं गए। हाँ वो तो वैसे डाउन में बहुत फालतू टाइम पास होता है, तो 3 क्लास तक समझाते रहो, वाई लिमिट, हाउ लिमिट, व्हाट लिमिट, वो आपको बाद में काम आता है, पहले कुछ नहीं काम आता है, ठीक है। लिमिट वाला पार्ट और हाँ बोलो बोलो सर, शाम को क्लास होगी ना, टाइम टेबल में है क्या? हाँ 6 to 9 लिखा है। देखते हैं।
वैसे जो लोग को आता है ना, मतलब वो लोग अगर समीर से शुरू कर दो तो अच्छा ही रहेगा। इब्राहिम वगैरह जो लोग हो, इब्राहिम फिर परसमेश भी है, देख लो कितना आता है। अगर लगता है आता है तो ज्यादा वेट मत करो, समीर खत्म कर लो। अच्छे क्वेश्चन है उसमें। ओंकार हाँ सर, उसका स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, हाँ सर स्ट्रेट लाइन। समीर बर्सन में स्टूडेंट कहाँ से आ गई? नहीं सॉरी, समीर ने वो तो दूसरा, वो क्या विकास गुप्ता दिया था, ब्लैक बुक दिया था, वो भी सर करा रहे हैं उससे स्ट्रेट लाइन वगैरह, उसने भी ठीक ठाक किया मतलब। देखो दिक्कत क्या है ना गिंडे में, अभी से मैं भी घर पे बैठा हूँ तो मैं कई बार एसके को ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, क्वेश्चन खुद से बनाने बैठो तो क्लास में क्या होता है कि मजा भी आता है। अभी घर में कौन मेहनत करेगा, वैसे भी सबने क्वेश्चन चुराने ही है, क्वेश्चन किसी ने बनाए नहीं खुद से, फालतू में हीरोगिरी होती है। समीर की बुक अच्छी है, वो बना लो ठीक है। ब्लैक बुक और रेड बुक ना फालतू में वो कोचिंग वालों की नौटंकी होती है, पांच बुक से लिख के कॉपी कर लिया। हाँ सर, हाँ सर। सर ये मतलब ये स्ट्रीट लाइन का सर हो जाए फिर बाद में, सर आप उसका ये दे दीजिएगा ना, वो बंसल का जो आप बोलते थे ना, क्वेश्चन बैंक। हाँ हाँ, बर्सल का स्टेट, बर्सल का ही नहीं अपन के पास, वो भी तो इसमें तो पूरे, इसमें पहले वो करेंगे, इसमें तो उसमें तो मस्त टाइम जाएगा, पेयर ऑफ लाइंस करेंगे ना उसमें तुम्हें काफी टाइम जाएगा, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ लाइंस और स्ट्रेट लाइन में अच्छे से टाइम दे देंगे, अपना काम हो जाता है, सब सारी दिक्कत उसी में आती है। कल जो पूछा था परसों उसने मुतासिम ने क्वेश्चन, वो सीधा वाई क्यूबिक था, कोई अंतर नहीं पड़ता ना, वाई बाहर लेना था ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई सेक्टर का सिस्टम ठीक है, फाइन। अभी इसमें जो चीज आती है वो आती है, इंटरेस्टिंग चीज है, फैमिली ऑफ लाइंस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कर्व्स, फैमिली ऑफ लाइंस ब्रैकेट में लिखा है मैंने कर्व्स ठीक है। ध्यान दो, सी वन इक्वल टू जीरो एक कर्व है, सी टू इक्वल टू जीरो दूसरा कर्व है, तो सी वन प्लस लैम्डा सी टू इक्वल टू जीरो इज अगेन a curve which passes through point of intersection of c1 and c2। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बोल, अरे भाई क्लियर है ये? हाँ सर। अरे हमें नहीं मतलब भाई, ये C1 है ये C2 है, मुझे नहीं मतलब, आई डू नॉट केयर क्या कर बना, मैं बस ये बोल रहा हूं कि इस वाले इक्वेशन में अगर मैं ये पॉइंट डालूंगा तो ये पॉइंट, ये जो कर्व है ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, ये बात चमकती है, दिस कर्व विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बुक सबके पास है ना, बुक से मैं दे दूंगा ज्यादा अच्छा था, पता है वो मैं फोटो खींच के भेजता हूँ, फिर मेरे मोबाइल से फोटो डिलीट करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, ये बात चमकती है। सर मेरे पास नहीं है सर, मुझे बुक का नाम भी नहीं पता। कौन बोल रहे है? सर मैं शांतनु। तो ग्रुप पे पूछ ना लोगों से, ग्रुप पे पूछ लो ठीक है। मैं तो मैक्सिमम बुक्स दे रहा हूँ हॉल एंड नाइट वगैरह का फोटो की, क्योंकि मुझे याद है मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन बीच में दो दिन पढ़ाया था और फिर कहा था क्वेश्चन दे दूंगा, फिर शायद मैं क्वेश्चन देना भूल गया था या दिया था, मुझे याद ही नहीं आता है। अच्छा सर मैं पूछ लूंगा सर। दिया था क्या मैंने क्वेश्चन? थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं दिया था ना? नहीं दिया। नहीं सर नहीं दिया। चलो ठीक है मैं भर देता हूँ, मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। मैं हॉल एंड नाइट का बुक शेयर किया ग्रुप पे? नहीं ना। नहीं सर। नहीं मैं बुक शेयर कर देता हूँ, सही बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है, फोटो खींचना बहुत नाटक काम है। चलो एनीवे ये क्लियर है क्या? ठीक है। और देखो जो सर लिमिट्स पढ़ाए ना, एक बार ध्यान रखो कि मतलब ट्राई करो कि क्या बेसिक से हो सकता है, अगर नहीं हो तो जाओ फिर लॉपिटाल पे ट्राई करो, लॉपिटाल
लास्ट में लगा पाओ, स्टार्टिंग में लगा दो तो मतलब मजा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कल जो क्वेश्चन पूछा था इसने मुतासिम ने साइन एक्स की पावर एक्स वाला, वो मैं लॉग लेके लॉग पटाल से भी कर सकता था, ठीक है, बट वो बेसिक से फटाक से हो गया ना एक सेकंड के अंदर। अरे अभी क्या बोल रहे हो अभी, मतलब वो क्या लॉग? हाँ अभी सर आप क्या ये लॉग स्टार क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। लॉपिटल एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल तब वो। अच्छा ओके ओके ऐसा और बोल रहे हैं, हां लॉपिटल तो बोलते हैं। अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, एलएच रूल ना, एलएच रूल, एलएच रूल ना। अब साइंटिस्ट का नाम तो कम से कम ले लो यार, ठीक है बंदा यार, मतलब ठीक है। हाँ चलो इतना इतना क्लियर है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स की बात कर दी मैंने, ठीक है एक बार में फाइन। तो ध्यान देना, इफ टू स्ट्रेट लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो इज अ इक्वेशन ऑफ, इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। ये बात चमकती है, अगर दो स्ट्रेट लाइन्स है तो ये जो इक्वेशन है इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पीओआई ऑफ दिस एंड दिस। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं, पहले कॉपी करो उसको, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं सीधा, सुनो। इफ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूव दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं पड़ता आपको आता है या नहीं आता है, पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जो मेथड वन रहता है ऑलवेज यूज दिस रिलेशनशिप हियर, ठीक है। तो चेंज इनटू फैमिली, तो ए एक्स प्लस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस सी, बी की जगह क्या आ गया ए प्लस सी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर है? तो आपका ए के साथ क्या आ गया एक्स प्लस वाई, और वाई के साथ और सी के साथ क्या आ गया वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर है? तो आपके पास क्या बन गया एक्स प्लस वाई प्लस सी बाई ए, उसको मैंने लैम्डा ले लिया, लैम्डा इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, व्हाट हैव यू प्रूव्ड, यू प्रूव्ड दैट दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। अरे हाँ है ना, व्हाट हैव यू प्रूव्ड, यू प्रूव्ड दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। सो इफ दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म दैट मींस ये क्या है, फैमिली आ गई ना, ये तो फैमिली ऑफ लाइन आ गई ना, दैट इंप्लाइज ये सारी फैमिली किस पॉइंट से पास कर रही है, ऑल इक्वेशंस बोलो पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा वन कॉमा माइनस वन। क्लियर है क्या? हाँ। मैं आपको एक सिंपल तरीका भी दिखा रहा हूं जो कि उतनी अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन में कभी काम नहीं करेगा, बट बेकार एग्जाम्स के बेकार अच्छे क्वेश्चंस में काम करेगा, ठीक है। आप सीधा ऑब्जर्व करो ना, आप सीधा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्व करो इस लाइन को देखो, ऑब्जर्व करो, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस वन हैज बीन सेटिस्फाइड। अरे क्लियर है क्या? इसका मतलब ये लाइन किससे पास कर रही है, वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन से। बट व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू, बहुत बेसिक चीज है, अगर किसी भी गिवन लोकस को, गिवन कर्व को, कोई भी चीज को प्रूफ करना है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है,
तो अगर ये चीज इतने आराम से दिख जाए तो ठीक है, एल्स आपका पाथ एक सिंगल माइंडेड होना चाहिए, लाइक अ बुद्ध इट शुड बी अ सिंगल माइंडेड पाथ, कि मेरे को इस गिवन कर्व को सी वन प्लस पैरामीटर टाइम सी टू में चेंज करना है, उसके बाद मैं सी वन सी टू को सॉल्व करूंगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उससे ये फैमिली हमेशा पास करेगी। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, क्या भूल जाएंगे, समझ रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर ये प्रूव करना है इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दो तीन तरीके होते हैं, एक तरीका ये ऑब्जर्वेशन वाला होता है जो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अच्छे एग्जाम्स में नहीं आएगा इस तरह से। तो आप माइंड में सिंगल माइंडेडली एक काम करो, अच्छा फिक्स्ड पॉइंट से पास करना है ना, तो क्या सर ने कहा है इस इक्वेशन में दो तीन पैरामीटर होंगे, सबको गायब करके एक पैरामीटर में चेंज कर दो, हमारे पास सी वन प्लस लैम्डा सी टू बन जाएगा। जो ही सी वन प्लस लैम्डा सी टू बन जाएगा तुम क्या कह सकते हो कि ये जो कर्व है वो किससे पास कर रहा है, सी वन और सी टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ये प्रूफ करना है कि वो गिवन कर्व जो है वो C1 और C2 वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या करना चाहिए, C1 प्लस आपका C2 पे। हाँ, आप सिस्टम में दो तीन पैरामीटर होंगे, आप एक पैरामीटर में चेंज करके गाड़ी को आगे बढ़ा के क्या करोगे, C1 प्लस लैम्डा C2 में चेंज करके यू शुड प्रोसीड। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए, जो मैंने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भेजे थे सारे कर लिए हैं सबने, बड़ा आश्चर्य लग रहा है यार। हाँ सर हो गए। नहीं सर मेरे बच्चे तो मेरे भी बच्चे मेरे भी थोड़े बच्चे हैं सर, वो पास्ट इयर्स के बच्चे स्टार्टिंग के। क्या बोला? पांच इयर्स सर, पास्ट इयर्स। पास्ट ईयर कहाँ बोल रहा है? अच्छा पास्ट ईयर, सॉरी। ठीक है, अरे कॉपी कर लिया सर, एक मिनट सर। वो क्या लिखा है, फैमिली, उसके बाद क्या लिखा है, कर्व्स। हाय फैमिली, ऑल इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ, ऑल इक्वेशंस पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। हाँ सर। सर ये जो C1 plus lambda C2 equal to zero है, ये फॉर्म में lambda का कुछ मतलब है? lambda is any real number। ठीक है सर। सर हो गया। सो मेथड टू में लास्ट लाइन में क्या लिखा है? ऑब्जर्व एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस वन हैज बीन सेटिस्फाइड।
हाँ सर हो गए। और ये क्लियर है क्या? ठीक है, वो जो कल जो क्वेश्चन दिए थे जो तुम लोग कह रहे हो दिक्कत आ रही ग्राफ बनाने में, उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ, जाता तो एक क्वेश्चन गलत दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ y स्क्वायर लेस देन 4x, इसमें भी दिक्कत आ रही है क्या? किसी को नहीं आ रही है? नहीं। ठीक है, इसमें मालूम है ना पैराबोला के अंदर का, अंदर का। ठीक है, अब मैंने आपको मारा y लेस देन 2 रूट एक्स से, है ना, इसमें दिक्कत आ रही है? हाँ। ठीक है, देखो क्या है, पहले डोमेन लिखो, जिसमें भी रूट है डोमेन लिखो। डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ। अभी आपको करना है स्क्वायर ही होगा हमेशा, तो स्क्वायर के पहले दोनों साइड साइन देखते हो ना बेटा। हाँ, तो अगर वाई नेगेटिव है, अगर वाई नेगेटिव है तो क्या हो गया? ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। अगर वाई पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। हाँ। क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर लेस देन 4x, ये क्लियर है? तो ग्राफ क्या बनेगा बताओ, जब वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है तो ऑलवेज ट्रू ना, मतलब ये पूरा रीजन आ जाएगा। समझे? और फिर ऊपर में पैराबोला के अंदर का, ऊपर में पैराबोला के अंदर। क्लियर है? हाँ सर। अभी ये देख, y ग्रेटर देन 2 रूट एक्स, ये तो क्या होगा? अगर y पॉजिटिव, अगर डोमेन आ ही जाएगा और y पॉजिटिव है, ऑब्वियसली इसका उल्टा ही होगा ना यार, है कि नहीं? इसमें क्यों जाए फालतू का? फिर एक काम करते हैं ना, y लेस देन माइनस 2 रूट एक्स। और बताऊं कि अभी समझ में आए कैसे करना है? समझ गया सर। एक और करते हैं ना, एक और मैं चाहता था करना। ठीक है, तुम इसको करते हो फर्स्ट वाले में। रीजन अंदर की तरफ कैसे है? पर कौन बोल रहा है सर? परम। परम, अपने पढ़ाऊंगा मैं तो। वाई स्क्वायर माइनस 4x है ना पैराबोला, तो पैराबोला के अंदर का रीजन है ना s1 लेस देन 0। पैराबोला होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0 के अंदर का रीजन होता है। ठीक है सर। ठीक है, कौन इसमें कर लेंगे, बात नहीं। मैं कल दिया था मैंने, तो ये लोग ग्राफ व्राफ पढ़ रहे होंगे फंक्शन, इसलिए मैंने दिया था। इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नहीं? y पॉजिटिव बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिटी, फाई हो जाएगा ना। हाँ। y बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 0। अब दोनों साइड नेगेटिव, अब क्या करोगे? स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी। ठीक है, अब बोलो क्या आएगा? वही पैराबोला के अंदर बाहर का, बाहर का रीजन के बाहर का रीजन होगा। ये बात चमकती है क्या? ठीक है, अभी जो मैंने कल 6 ग्राफ दिए थे ना आपको, ठीक है, उसका ना एक बार बना लो खुद से सोच सोच के, और डेस्मोज पे, मालूम है ना डेस्मोज, तो लास्ट में दिखाया था, डेस्मोज पे ग्राफ बना के चेक कर लो। इस पे सर, अरे एक आता है ना ग्राफ के लिए कैलकुलेटर, डेस्मोज करके। हाँ, उस पर भी चलता है, ब्राउजर में चलता है। अरे क्लियर, ये कैसे बनाते हैं? आपको एरिया में बहुत काम आएगा इस चीज का। क्लियर अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ती है, बट अब वो देखना पड़ता है ना कि पॉजिटिव है कि नहीं है। ये बात चमकती है क्या? और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? स्क्वायरिंग किए लेकिन क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गए, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, और बाकी 6 क्वेश्चन थे उसको बना लो और डेस्मोज पे चेक कर लो, और रात में डिस्कस कर लो। ठीक है, जो नाइट वाली क्लास होगी ना वो मैं 8:30 से लूंगा। ठीक है,
कॉपी कर लो 8:30 to 10:30 ना सर 8:30 to 10:30 या 10 तक क्योंकि मैं अभी खत्म कर दूंगा आज स्टेट लाइन का पार्ट आज पेयर ऑफ लाइंस भी मैं खत्म करूंगा उसमें कुछ है नहीं चार फॉर्मूले हैं उसके बाद क्वेश्चन देते हैं करने के लिए आला अच्छा रहेगा सर वो शीट का क्या चल रहा है वो अभी तक मिला ही नहीं है कौन सा शीट रेजो की शीट हां सर मटेरियल नहीं मिला है नहीं सर सेंटर पे फोन किया तूने रुद्र हां सर मतलब पिछली बार दो तीन बार पिछले हफ्ते दो तीन बार किया था उन्होंने बोला ये हफ्ते आ जाएगा तो फिर वो ये हफ्ता वापस खत्म हो गया अभी ये नया हफ्ता चालू हो गया सेंटर पे ढेर सारी सीट रखी हुई है एक बार वापस फोन करना पूछना एडीएस सर ने बोला है आपसे पूछने को मैं नाम लेके पूछना सर सर अभी एक ही पैकेज मिलेगा ना और एक पैकेज तो नहीं आने वाला है ना क्यों नहीं आएगा मतलब आएगा और एक आएगा पूरा किधर आएगा ना क्यों नहीं आएगा एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि रमेश सर को 10 तारीख को कोरोना हो गया ना इसलिए फिर सेंटर पे बच्चों को 15 दिन नहीं बुला रहे होंगे सेफ्टी पर्पस ऐसा मुझे लगता है मैं जाके भी पूछा था गया फिर उन्होंने फिर पूछो आज बोल रहा हूँ एडी सर ने बोला है हाँ ठीक है लोग क्या बोलते हैं स्टेट लाइन की सीट किसी को नहीं मिली है क्या सर पनवेल सेंटर से तो 2-3 लोग को नहीं मिला है जे जुंगा नहीं है सर पैकेज में भी नहीं था स्टेट लाइन नहीं तो तुम लोग कुछ भी नहीं मिला है कुछ सीट मिली है कुछ भी नहीं मिला है क्या बोल रहे हो मेरे को पैकेज मिला है फिजिक्स पूरा मिल गया मुझे जूनागढ़ और किसी को तो कुछ कुछ भी नहीं मिला अच्छा ठीक है फोन करके पूछो एक बार हाँ सर तो अपने पास ये तो है ना करने के लिए हेलो हाँ सर सर मुझे प्रशांत सर ने बोला था कि वो बताएंगे बताएंगे लेकिन फिर कुछ कॉल करके बताया ही नहीं उनके फादर की डेथ हो गई है यार बैड लक की लिमिट होती है ना यार उनके फादर की डेथ हुई है 4 दिन पहले उनकी कोरोना से डेथ हो गई है क्या ठीक है जो शीट्स मिल रही है तो आप लोग फैकल्टी से ना ग्रुप पे शेयर करा लिया करो पीडीएफ ठीक है बाकी एक बार सेंटर फोन करे बताओ रुद्र जैसा होता है मैं बात करता हूँ सेंटर पर ठीक है ये कॉपी करो अभी तो जो टॉपिक्स कराए हैं उसकी एडवांस की शीट शेयर है ना ग्रुप पे हाँ सर पीडीएफ है सर ये ग्राफ एक्चुअली रॉन्ग बना दिया आपने वो नीचे आएगा शेडेड रीजन y less than 0 हाँ अपना ग्राफ इधर है ना y should be negative x should be positive और क्या आया स्क्वायर करने पे y square greater than 4x है ना तो पैराबोला के बाहर हाँ सॉरी थैंक्स यार अरे क्लियर है क्या एरिया में बहुत फंसाता है ये चीज बार बार ठीक है अरे क्लियर है क्या सभी को हाँ सर चलो ठीक है